परीक्षाओं का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। मंडल ने ये बड़ा फैसला लिया है और अब इसका आदेश जल्दी जारी होगा और इस आदेश के साथ टाइम टेबल भी जारी हो जाएंगे। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही, बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं देने वाले बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों के लिए शिक्षा विभाग ने बहुत ही बड़ा फैसला कर लिया है। ऐसे परीक्षार्थियों के लिए जो इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले, आप सबको बता दें आपके भविष्य से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही। सभी बोर्डों के शिक्षा मंत्री के साथ हुई अभी भी बैठक के माध्यम से बहुत ही बड़े फैसले का ऐलान कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया कि इस बार बोर्ड परीक्षा 2025 को बहुत ही ज्यादा आसान वे में लागू किया जाएगा। आपको बता दें, चाहे आप बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, सीबीएसई, आईसीएसई, किसी भी बोर्ड से संबंधित रहने वाले परीक्षार्थी ही क्यों ना हो, आप सबको इस बार शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बहुत ही बड़ी राहत प्रदान की जाएगी। तमाम ऐसे छात्र हैं जो कि बोर्ड परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं, तो बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान तो कर ही दिया गया है, साथ में परीक्षा का पैटर्न, किस प्रकार आएगा बोर्ड का पेपर, सब कुछ शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया। एक नोटिस के माध्यम से इसकी पुख्ता जानकारी सरकार ने जारी किया, सभी छात्रों के लिए गाइडलाइंस भी जारी की। आप सभी को बता दें, बैठक के माध्यम से बहुत ही बड़े फैसले लिए गए हैं। इस बार सरकार का साफ कहना है कि बोर्ड परीक्षा का पेपर बहुत ही सरल बनाया जाएगा, जिससे बच्चे आसानी से बोर्ड परीक्षा का पेपर कर पाए और अच्छे से अच्छे अंक लाकर टॉपर बन पाए। इसके लिए आपको करना क्या है, भारत के किसी राज्य से बिलोंग करने वाले छात्र छात्रा है, कमेंट बॉक्स में अपने बोर्ड वाले राज्य का नाम कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे आपके बोर्ड से जुड़ी जब भी कोई लेटेस्ट जानकारी हमें मिलती है तो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं हमारी छोटी सी रिपोर्ट में सबसे बड़ी खबर। तो दोस्तों, अगर आप भी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र छात्रा है तो आपके भविष्य को लेकर बहुत ही बड़ी खबर का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया। सरकार ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही बड़ी घोषणा का ऐलान कर दिया। सरकार ने साफ कर दिया कि इस बार बोर्ड परीक्षा 2025 में बैठने वाले छात्र बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि उन्हें 2025 बोर्ड परीक्षा का सेशन मिला है। ऐसे छात्रों को इस बार बोर्ड परीक्षा में बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है। कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों को 60% से ऊपर अंक देने का प्रावधान सरकार ने जारी कर दिया। सरकार ने साफ कर दिया कि अगर किसी भी बच्चे की अच्छी हैंडराइटिंग बनती है तो उसको एक्स्ट्रा बोनस अंक दिए जाएंगे। साथ में सरकार ने यह भी कह दिया कि अगर बच्चों को क्वेश्चन कोई नहीं आता है तो उससे रिलेटेड बना बनाकर भी अगर वो लिख देते हैं तो इस बार बोर्ड परीक्षा में उनको अच्छे से अच्छे अंक देकर पास किया जाएगा। साथ में सरकार ने यह भी कह दिया कि इस बार किसी भी परीक्षार्थी को फेल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। 95% परीक्षार्थियों को इस बार बोर्ड परीक्षा में पास किया जाएगा। पहले क्या होता था कि 2 से 3% छात्र किसी कारणवश फेल हो जाते थे, तो ऐसे परीक्षार्थियों के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम का भी सुविधा सरकार की तरफ से दी गई, जो कि जुलाई महीने में आयोजित होती है। और अब सभी छात्र छात्राओं को बता दें कि अब बोर्ड परीक्षा में बहुत ही कम समय शेष रह गया। 16 फरवरी से बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन होना है, जिसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई। सरकार ने इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी कि छात्रों को किस प्रकार बोर्ड परीक्षा का पेपर देना है। 3 दिन पहले ही मॉडल पेपर जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से सभी बोर्डों से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले। धन्यवाद।